उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सिसवा विकास खंड के ग्राम पंचायत में दो दिव्यांग बेटियों सहित 6 बच्चों के माता पिता सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। सरकारी सुविधाओं के लिए एक दंपत्ति कई बार सिसवा ब्लॉक और जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस गरीब परिवार को कोई सफलता नहीं मिल रही है। इस परिवार ने सुविधाओं के लिए उच्चाधिकारियों से भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के सिसवा विकास खंड के भुजौली ग्राम पंचायत के निवासी सुरेश प्रसाद झोपड़ी में जीवन यापन करने के साथ ही अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं और उनकी कुल 6 बेटियां हैं, जिसमें से तीसरी व पांचवी नंबर की बेटियां दिव्यांग हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि दोनों बेटियों का न तो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है और न ही कोई सरकारी सुविधाएं मिली। सुरेश प्रसाद ने कई बार ब्लॉक मुख्यालय पर आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी। यह परिवार अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना की आस लगाए बैठा है। योजना का लाभ न मिलने पर उन्होंने कई बार इसकी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। किसी तरह अपना जीवन यापन बसर कर रहे सुरेश प्रसाद ने अपनी दो बेटियों की शादी तो कर दी, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग दोनों बेटियों को भी कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। गांव के नुक्कड़ पर छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाले सुरेश प्रसाद ने सरकारी सुविधाओं के लिए ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक और जिले के अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ आश्वासन ही मिला। सुरेश प्रसाद की पत्नी निराला देवी अपनी दोनों दिव्यांग बेटियों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर भुजौली है, सुरेश प्रसाद नाम है। क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कत 6 बच्ची है साहब, एक बच्चा है, दो के शादी कर दिए, दो लड़की शादी करने वाले, दो लड़के विकलांग है। कब से विकलांग है? एक हो गया, 19 साल हो गया, 13 साल हो गया। और कितने क्या सरकारी सुविधा इन लोगों को मिलती है? कोई सुविधा नहीं मिला है, आपका खाना बनाना आवास बना कोई सुविधा नहीं मिला। कैसे भरण पोषण चलता है आप लोगों का? आप कैसे बताएं, वही अकेले हम, वही दुकान है, वो इसी से चलाते हैं, करते हैं। क्या सरकारी सुविधा आपको मिलती है? कुछ नहीं मिलता साहब, कौन सरकारी सुविधा नहीं मिलती, ना आवास मिला, ना खाना बनाना, कौन सुविधा नहीं। सर, सिसवा विकास खंड के भुजौली में एक ही परिवार के दो लड़कियां दिव्यांग है, अभी तक तो वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्या कुछ कार्य की जा रही है? आपके चैनल के माध्यम से अभी भी पता चला है, इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी सरकार की सुविधाएं होगी उसको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। सर, 2011 से अब तक वो इससे वंचित रहे हैं, क्या माना जाए कि 2011 से अब उसकी जाँच करानी पड़ेगी कि उसका नाम सूची में था नहीं था, नहीं होगा तो उसको तत्काल डाल दिया जाएगा और डाल के उसको जो सुविधाएँ समय के अनुसार उपलब्ध कर देंगे। सर, उनका कहना है कि हम कई बार जो है चक्कर लगा चुके, लेकिन कोई अधिकारी इस पर, मेरे सामने पहली बार आपने बताया है।